जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला सांबा में बन रहे फ्लाईओवर के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं और हादसों के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। वहीं बीती रात भी इस फ्लाईओवर निर्माण के ढीलेपन काम के चलते दो बड़े हादसे हुए, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि पठानकोट से सांबा की तरफ आ रहा एक सरिया से लदा हुआ ट्रॉला फ्लाईओवर के बने हुए पिलर से जा टकराया। हादसा इतना भयानक था कि ट्रॉले का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सांबा में प्राथमिक उपचार के बाद जम्मू GMC रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरा हादसे में एक महिंद्रा बलेरो गाड़ी इस फ्लाईओवर काम के दौरान चालक कुछ समझ नहीं आया, जिसके कारण उसका महिंद्रा बलेरो पलट गई। इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि घायलों की पहचान अनिल कुमार और उसके कंडक्टर के रूप में की गई है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस की तरफ से मामला दर्ज, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सांबा से अजय सिंह की रिपोर्ट।